नमस्कार, फूल का बाय द वुमेन फॉर द वुमेन में मैं हूँ डॉक्टर वंदना। इस कोरोना महामारी ने महिला और पुरुष दोनों को ही संक्रमित किया है। हालांकि कोरोना के लिए वैक्सीन आ जाने के बाद में काफी सुकून भी मिला है, पर जब प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर को वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो उनके मन में हजारों तरह के सवाल आते हैं। गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं का सबसे पहला सवाल रहता है कि कहीं कोविड वैक्सीन से उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर कोई गलत असर तो नहीं पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका गर्भपात हो जाए या फिर गर्भ में पल रहे बच्चे में कोई कंजेनाइटल एनोमलीज आ जाए। इसके अलावा उनका दूसरा सवाल रहता है कि यदि कोई महिला प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही है तो क्या उसकी फर्टिलिटी पर कोई फर्क पड़ेगा या उसके हस्बैंड की फर्टिलिटी पर कोई फर्क तो नहीं पड़ जाएगा। इसके अलावा उनका जो तीसरा सवाल रहता है वो ये कि यदि किसी महिला ने फर्स्ट डोज कोविड वैक्सीन की फर्स्ट डोज ले ली है और यदि वो एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्या उसे कोविड की सेकेंड वैक्सीन लेनी है या नहीं लेनी है। चौथा सवाल रहता है कि ऐसी महिलाएं जो कि स्तनपान करा रही हैं क्या वो कोविड की वैक्सीन लगवा सकती हैं या नहीं लगवा सकती, कहीं बच्चे के ऊपर जो बच्चा उनका स्तनपान कर रहा है उसके ऊपर तो कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। पांचवा सवाल रहता है कि वो ऐसी कौन सी वैक्सीन लगवाएं जो कि गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चे पर और स्तनपान कर रहे बच्चे के ऊपर कोई गलत प्रभाव ना डाले। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के पहले हम कुछ बातें वैक्सीन के बारे में जानेंगे। वैक्सीन बनाने के बाद जानवरों के ऊपर इसका ट्रायल किया जाता है और जानवरों के ऊपर यदि वैक्सीनेशन के कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ते हैं तो फिर इंसानों के ऊपर इसका ट्रायल लिया जाता है और इंसानों में भी स्त्री पुरुष बच्चे बुजुर्ग सभी के ऊपर यह ट्रायल लिया जाता है। पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना का जो फर्स्ट केस है वो जनवरी 2020 में मिला था और इस 1.5 साल में बहुत ही तेजी से कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों को बहुत ही जल्दी थी वैक्सीन बनाने की। और जब वैज्ञानिकों ने कोरोना के लिए वैक्सीन बनाई तो उन्होंने इसमें ऐसी महिलाएं जो कि गर्भवती थी या स्तनपान करा रही थी उनको सम्मिलित नहीं किया, जिसके कारण हमारे पास गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के ऊपर कोविड का क्या असर पड़ेगा या कोरोना वैक्सीन का क्या असर पड़ेगा इसके बारे में हमारे पास डेटाज अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो इंडिया में वैक्सीन लगाई जाती है कोविशील्ड और कोवैक्सीन या गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नहीं लगाई जा रही है। पर कई बार यह पाया गया कि जो महिलाएं वैक्सीन करवा कर आई और अनजाने में ही प्रेग्नेंट हो गई, मींस उन्होंने प्रेगनेंसी प्लान नहीं की थी पर प्रेग्नेंट हो गई, तो भी उनके प्रेगनेंसी पर कोविड वैक्सीन का कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ा, ना तो उनका गर्भपात हुआ, ना ही उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर कोई प्रभाव पड़ा और ना ही उनमें कोई कंजेनाइटल एनोमलीज आई। इसलिए गर्भवती महिलाओं के ऊपर वैक्सीनेशन का कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ता है, ये चीज हमको समझ में आ गई। गर्भावस्था में महिलाओं को ब्लड प्रेशर बढ़ जाना और डायबिटीज हो जाना ये बहुत ही कॉमन सी बीमारियां हैं। गर्भावस्था में यदि ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो जिसे हम कहते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, या फिर डायबिटीज हो जाती है तो जिसे हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। यदि ये दोनों ही बीमारियां महिलाओं को हो गई और यदि ऐसे में उसे कोरोना हो जाता है तो उसके कारण उसे खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और टाइम टेबल में डिलीवरी करवानी पड़ जाती है, जिसके कारण प्रीमेच्योर बेबी होता है और प्रीमेच्योर बेबी होने के कारण उसमें वो अंडरवेट रह जाता है और जिसके कारण बेबी को NICU में भी एडमिट करना पड़ सकता है। यदि मदर को वैक्सीन लगी हुई है तो उन्हें कोविड का खतरा कम रहता है क्योंकि मदर में कोरोना के लिए एंटीबॉडी बन जाती है, साथ ही साथ डिलीवरी के बाद में भी कोविड के लिए एंटीबॉडी पाई गई, जिससे कि तुरंत जन्मे बच्चे में भी कोरोना के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई और बेबी भी कोविड से सुरक्षित हो गया। अब आता है दूसरा सवाल कि ऐसे कपल्स जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं क्या वो कोविड वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो यहाँ पर भी वही जवाब आता है कि कोविड वैक्सीन का फर्टिलिटी रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हमारे पास डेटाज अवेलेबल नहीं है। पर एक बात जरूर है कि ऐसी महिलाएं जो कि कोविड वैक्सीन लगवा कर आई और एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट भी हो गई तो इसका मतलब यह हुआ कि उनकी फर्टिलिटी रेट पर कोविड वैक्सीन का कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ,
पुरुषों के ऊपर जरूर फर्टिलिटी रेट में कुछ अंतर देखा गया है, पर यह अंतर कुछ टाइम बीइंग के लिए रहता है और यह अंतर केवल उतना ही रहता है जितना कि पुरुष यदि फीवर आ जाता है तो उसमें जो फर्टिलिटी रेट में फर्क आता है बस उतना ही फर्क कोविड वैक्सीन के बाद में देखा गया। अब आता है तीसरा सवाल कि ऐसी महिलाएं जो कि फर्स्ट डोज ले चुकी हैं और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो क्या उन्हें सेकेंड डोज लेना है? तो इसके बारे में भी हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, पर हाँ पर्सनली मैं यही एडवाइस करूँगी कि यदि आपने फर्स्ट डोज ले ली है तो आप सेकेंड डोज ना लें, वेट कर सकते हैं। अब आता है चौथा सवाल कि ऐसी महिलाएं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं क्या वो कोविड वैक्सीन लगवा सकती हैं? तो फिर वही जवाब है कि कोविड वैक्सीन का स्तनपान कराने वाली महिलाओं के ऊपर क्या फर्क पड़ता है इसके बारे में भी हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, पर ऐसी महिलाएं जो कि हेल्थ वर्कर हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती हैं या फिर नगर निगम में काम करती हैं, जिनका कोरोना पेशेंट से कांटेक्ट ज़्यादा रहता है, उन्हें कोरोना की रिस्क ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में उन्हें कोविड वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। यदि हम कंपेयर करते हैं कोरोना से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की या फिर कोविड वैक्सीन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट की, तो कोरोना से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हार्मफुल हैं, इसलिए कोविड वैक्सीन लगवा लेना ही फायदेमंद है। अब आता है पांचवा सवाल कि स्तनपान कराने वाली महिलाएं और गर्भवती महिलाएं को कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहिए? तो फिर वही बात आ जाती है कि प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर को कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहिए, इसके बारे में हमारे पास कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, पर ACOG मींस अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी ने mRNA वैक्सीन को रिकमेंड किया है, पर इंडिया में यह वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है और इसको लगाने की अभी परमिशन नहीं है। पर यदि जैसे कि मैंने अभी बताया कि हाई रिस्क महिलाएं जो कि हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं या फिर जो पुलिस में हैं जिन्हें कि प्रेगनेंसी के दौरान कोविड हो जाने से खतरा ज़्यादा है या प्रेगनेंसी के दौरान यदि उन्हें कोरोना हो जाता है तो उनके घर में पल रहे बच्चे को ज़्यादा खतरा हो सकता है, तो ऐसी महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि कोविड वैक्सीन कब लगवाई जा सकती है। तो ऐसी महिलाएं जो कि हाई रिस्क हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जिनका कि डेली कॉन्टैक्ट होता है कोविड पेशेंट से, तो ऐसी महिलाओं को अपने कंसेंट के, जब यदि वो कंसेंट देती हैं अपनी मर्जी से कोरोना के लिए वैक्सीन लगवा सकती हैं। पर ध्यान रखें कि जब भी कोविड की वैक्सीन लगवाएं तो उसके 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक दूसरे टीके नहीं लगवाना है। जैसे कि गर्भावस्था में टिटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है तो टिटनस की वैक्सीन भी आपको कोविड की वैक्सीन के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक आपको नहीं लगानी है। इसके अलावा एक वैक्सीन के बाद में दूसरी डोज लेने में 6 से 8 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। वैक्सीनेशन के बाद में हल्का फुल्का सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि फीवर आना, बॉडी एक होना, पर ये सिम्टम्स 2 दिन 4 दिन में तक दिखाई देंगे और इसके बाद में चले जाएंगे। पर जो भी महिलाएं वैक्सीन लगवाना चाहती हैं उनको पर्सनल कंसेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब आखिरी बात, कोरोना वैक्सीन 100% सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए आप कोशिश करें कि घर से बाहर ही ना निकलें। पर यदि घर से बाहर निकलना ही पड़ रहा है तो कॉटन का यदि आप मास्क लगा रहे हैं तो ट्रिपल लेयर वाला मास्क लगाएं, या बेहतर यही होगा कि आप N95 मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें या फिर साबुन पानी से धोते रहें। तो आज इस वीडियो में हमने 5 सवालों के जवाब जाने। पहला, ऐसी महिलाएं जो कि गर्भवती हैं या स्तनपान कराती हैं क्या वो कोविड वैक्सीन ले सकती हैं? दूसरा सवाल, ऐसी महिलाएं या ऐसे कपल्स जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं क्या वो कोविड वैक्सीन ले सकते हैं? तीसरा सवाल कि ऐसी महिलाएं जो कि कोविड की फर्स्ट डोज की वैक्सीन ले चुकी हैं और यदि वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो क्या उन्हें सेकेंड डोज लेना है? चौथा सवाल कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं कोविड की वैक्सीन ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं? और पांचवा सवाल कि प्रेगनेंसी में या फिर स्तनपान कराते समय कौन सी वैक्सीन लगवानी है? सबका एक ही सारांश निकाला गया है कि कोविड वैक्सीन का गर्भवती महिलाओं या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हमारे पास कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, पर ऐसी महिलाएं जो कि हाई रिस्क हैं, जैसे कि हेल्थ वर्कर्स हैं, नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस विभाग में हैं, ऐसी महिलाओं को कोविड
वैक्सीन से उतना ज़्यादा खतरा नहीं है जितना कि कोरोना हो जाने के कारण होगा। तो इसलिए जो महिलाएं हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं उन्हें प्रेगनेंसी में भी वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। इसलिए जैसे ही भारत में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कोविड वैक्सीन यदि लगना स्टार्ट होता है तो ऐसी महिलाओं को जरूर से जरूर वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के ऊपर कोरोना का क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में और अधिक जानने के लिए आप मेरा वीडियो गर्भवती महिलाओं में कोरोना का प्रभाव यह वीडियो देख सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इसके अलावा यदि आप कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।